शानी किचन रमज़ान स्पेशल में हाजिर हूँ। और शानी किचन रमज़ान स्पेशल में आज मैं आपको बनाने जा रही हूँ लच्छा पराठा। पराठे सहरी में यूज़ होते हैं, तो आप इस तरीके से बनाएं, आपको यकीनन अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लच्छा पराठा बनाना। इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, एक टीस्पून मैंने इसमें ऑयल लिया है, एक टीस्पून सूजी, एक टीस्पून नमक और एक ही टीस्पून चीनी जो कि पिसी हुई है। एक परात में मैंने ये एक कप जो मेरा मैदा था वो डाला, चीनी डाली, नमक, सूजी और ये ऑयल, इन सबको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसका पराठा आटा गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, ज़्यादा नहीं एकदम। ये देखें इस तरह से मैंने इसको सॉफ्ट सा गूंद के, ये देख लें मैं आपको दिखा दूँ, सॉफ्ट गूंदना है। और इसको मैं अपने हाथों को एक टीस्पून टेबलस्पून लगा के और इसको अच्छी तरह ऑयल लगा के और इसको हमें 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट देना होगा। कवर करके रख लिया और इसको रेस्ट, आटे को मैंने 20-25 मिनट का रेस्ट दे दिया था। ये देखिए सॉफ्ट गून गया है। अब मैं इसका एक पेड़ा निकालूंगी। सूखा मैदा डस्ट करेंगे नीचे, ऊपर ऑयल लगाएंगे और इसको हमने जितना हो सके पतला बेलना है। पतला सा बेल लेते हैं। अब देखिए मैंने इसको बहुत पतला पतला बेल लिया है। अब इसमें ऑयल की हम डस्टिंग करेंगे अच्छी तरह। इस तरह से हम बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट ली। अब दोनों हाथ को ऑयल से ग्रीस करें और इसको इस तरह से पलटते जाएंगे के ऊपर एक। ये देखें इस तरह हम इसको इसके साथ ही लगा लें। इसमें हम दोबारा ऑयल की डस्ट करेंगे, इसको उठाया हाथ में इस तरह रोल करते जाना है। इसकी जो नीचे वाली साइड है उसको नीचे कर देंगे इस तरह से। फिर इसकी लेयर्स बना के ऑयल अच्छी तरह लगा को मैंने हाथ से ही हल्के हाथ से प्रेस करना है और बेलन का यूज़ नहीं करना। हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएं। छोटा पराठा बनाएगा ये, बड़ा नहीं बनेगा। जो इसके निकल रहे हैं उसको ऊपर दबाते जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तवा हल्का गरम कर दिया था ना, हल्की ही आंच हीट पे पकाएंगे। देखिए हल्का सा ये सिक गया है, इसको पलट के आप देख सकते हैं इसे। इस तरफ से भी इसको अच्छी तरह सीकने दें, फिर हम इसमें ऑयल या घी लगाएंगे। आंच थोड़ी और हल्की कर दें ताकि अच्छी तरह सिक जाए। अब इस तरफ से भी घी लगाएं ताकि इस तरफ से भी अच्छी तरह पक जाए। अब इससे ये देखें इसकी लेयर्स आप देखें, अभी जब ये उतरेगा तो मैं आपको और दिखूंगी इसकी लेयर्स। ये देखें देखिए कितना खूबसूरत लेयर वाला पराठा तैयार है। इसको आप सहरी में बनाएं, खूब इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।